अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे। इस दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं और आज आपको दिखाती हूँ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था यहाँ देख के मुझे भी, क्योंकि वापस से वो रंग जो दुनिया में से ख़त्म हो रहे थे वापस आते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग अपनी रूटीन की तरफ आ रहे हैं, यहाँ ये कॉन्डोमिनियम के बिल्कुल मेरे साथ ही फर्स्ट आवर जो है उसमें मार्केट लगती होती है अंदर ही। खैर मुझे यहाँ कुछ और काम था, जब मैं आई तो मैंने देखा कि स्टॉल्स लगे हुए थे उसी हिसाब से जैसे पहले लगते थे, पर कुछ कम थे और थोड़े फासले पे थे। तो यहाँ मैंने देखा बहुत प्यारे प्यारे क्लब्स लगे हुए थे और पोनी सी मैंने खैर अनाया के लिए लिया भी यहाँ से, इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं आपको ये दिखा रही थी कि दुनिया में जो रंग ख़त्म होते जा रहे थे ना वापस से आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लग रहा है, ये एक अच्छी खुशखबरी है जो मैंने आपके साथ शेयर करना मुनासिब समझा। और इसी तरह आगे एक आध दिन में यहाँ पर तकरीबन काफ़ी तरह के मॉल खुल जाएंगे क्योंकि यहाँ केसेस वगैरह बहुत कंट्रोल में हैं। खैर मैं अब घर आ गई थी, आने के बाद मैंने अनाया को जल्दी से शावर दिलवाया और उसके बाद उन्हें तैयार करके यहाँ बिठाया। और बहुत ही मज़ेदार चीज़ शेयर करूँगी आप लोगों से, बिल्कुल मिस ना करिएगा। आप लोग देखिएगा इसकी शरारत को, अगर आप इसे देखते हैं शुरू से तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। बस सबसे पहले तो ये होता है ना कि ये नहा के आती हैं तो इन्हें कुछ खिलाना है या कुछ है, तो इनको पहले तो विंडो से बाहर देखना होता है क्योंकि इनको बर्ड को हेलो हाय सब करना है। उसके बाद ये जो है वो लाइन पे आती हैं और मेरी बात मानती हैं, फिर कुछ खा लेती हैं थोड़ा बहुत। उसके बाद इन्होंने एक नया कारनामा सीखा था, मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी ये इन्होंने कहाँ से सीखा, आगे जाके आप सुनिएगा और ये आपके साथ शेयर करूँगी मैं आज। और जब मैं भी बहुत परेशान हुई कि ये सब क्या कर रही है, ये क्यों ऐसा कर रही है, हम सब हैरान थे घर वाले कि हमारे घर में तो कोई भी इस तरह की हरकत नहीं करता, पर इसने ये कहाँ से सीखी। बड़ा मज़ेदार सा सीन है, आप देखें ज़रूर, अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये चीख रही हैं, जिसे मतलब समझ नहीं आया कि इसने कहाँ से सीखा। फिर पता चला जी बाहर से कहीं से चीखने की आवाज़ आ रही थी किसी बच्चे की, वो चीखता था तो ये भी चीखती थी और वो चुप होता था तो ये भी चुप हो जाती थी। अच्छा मतलब हम समझ नहीं पा रहे थे कि इसने कहाँ से सीखा है। खैर अब इंशाल्लाह कोशिश करके इसकी आदत मुझे हटानी है, ये क्यों कर रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। बहरहाल हम आगे चलते हैं, फिर इंशाल्लाह शेयर करूँगी आगे जाके आपके साथ। तो साथ ही आ गई थी मैं किचन में और तैयारी करने वाली थी आज की इफ्तारी की, और इफ्तारी में आज बना रही थी शौरमा। शौरमा बहुत इजी रहता है, बच्चे खुश होकर खा लेते हैं, तो उसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग उसमें से देख सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएगी और आराम से आप ट्राई कर लीजिएगा। बहरहाल मैदे से बनाती हूँ, सिंपल है, बहुत आसानी से आटा वगैरह मैं गूंद के ही सुबह रख दिया था मैंने, ताकि ये है कि आराम से आपका काम हो जाए और ये खाने में अच्छा लगता है। इसमें सैलेड वगैरह सब कुछ चला जाता है, चिकन तो पूरी एक फिलिंग हो जाती है। तो कोशिश यही है आजकल के इफ्तार में, जिस तरह आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि भाई वन मील हो कुछ इस तरह का जो कि फुल आपको कर दे, तो आपको दोबारा दूसरी चीज़ों की तरफ जाना ना पड़े और ज़रूरत भी ना पड़े एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सामान की, तो यही मैं कर रही थी। बहरहाल यहाँ एक दफ़ा सारी रोटियाँ बना के रख लूँगी, बाद में से रैप कर दूँगी तो बहुत आसान हो जाएगा। सॉस का मेरा वही तरीका है कि मैं सारी सॉस मिक्स करके एक बॉल में कर लेती हूँ, ताकि आप अलहदा से परेशान ना हो। चिकन भी यहाँ रेडी थी और बस इसे रैप करना था। अच्छा जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की भी एक रेसिपी, वो चिकन तो मैंने बहुत डिफरेंट तरीके से बनाई थी, अगर आप वो लोग वो देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये सिरके में जो इसके पिकल वगैरह जो भी होता है सारा कुछ हम तैयार करके रख लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, वो भी मैंने शेयर किया हुआ है लास्ट वाली वीडियो में, अगर आप लोग वो सब देखेंगे ना तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। उसका रीज़न ये है कि वो आपको प्रॉपर पूरी रेसिपी आपको मिल जाएगी और मैं लिंक डाल दूँगी तो आप लोग और आसान हो जाएगा। बहरहाल अभी भी अगर आप जो कुकिंग करता है वो देखेगा तो उसे आइडिया हो जाएगा। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें ज़रा चेंज करके इफ्तारी में रखी जाए तो मज़ा भी आता है खाने में। बहरहाल आजकल यहाँ पे जो है मतलब तैयारी ईद की सारी जगहों पे चल रही है, और जिस तरह पाकिस्तान में माशाल्लाह से काफ़ी कुछ खुल गया है और लोग जा भी रहे हैं शॉपिंग के लिए, बस सबको अल्लाह पाक अपनी हिफाजत में रखे। जाहिर है ईद का मौका है और पूरे हम साल इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं और इस खुशी के दिन का, और थोड़ी जो भी तैयारी कर सकता है हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक वो कोशिश करता है कि अच्छे से अच्छा करें। तो बस ये है कि थोड़ा सा आप लोग अपना ख्याल करके जाएँ। अव्वल तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर केयर भी की जा रही है, मुख्तलिफ़ मॉल्स में स्पेशली
खासतौर पर जो अच्छे शॉप्स हैं ब्रांड्स की, उसमें वो लोग इस तरह एंटर भी नहीं करने दे रहे बगैर मास्क के, और इस तरह केयर की जा रही है जिस तरह मैंने सुना है और जो मैंने अपनी फैमिली को देखा भी है, उन्होंने बताया भी है। तो इसी हिसाब से अगर आप लोग भी जाते हैं तो अपना बहुत ख्याल करके जाएँ, ताकि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखें और खुशियों के साथ आप ये ईद मनाएँ। बाकी ये है कि यहाँ रह के जिस तरह अभी तक सब कुछ नहीं खुला है, इंशाल्लाह एक दो दिन में यहाँ मॉल्स वगैरह खुलने वाले हैं। मैंने कोई ख़ास शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं की ईद की इस दफ़ा, मगर ये कि कुछ इस तरह की शॉपिंग जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान से हो चुकी थी वो है मेरे पास, और वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगी आने वाले व्लॉग्स में। और कुछ अगर यहाँ खुल गया तो मुझे ज़रूरत की चीज़ें नज़र आई तो मैं ले लूँगी, और अगर जाना मुनासिब लगा, जाना तो पड़ेगा ही, किसी ने बहुत सारे काम आपके जो हैं वो रुके हुए हैं वो आपको करने हैं, खुद ही जाके करने हैं। बहरहाल यहाँ मैं आपको कंडीशन दिखा चुकी हूँ, यहाँ इन्होंने बहुत सेफ्टी के साथ चले हैं। बीच में तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी आया है कि कोई केस भी नहीं इनका एक दिन भी आया। अल्लाह पाक इसी तरह हर जगह रखे और यहाँ पर भी जल्दी से जल्दी सारी रिकवरी और वापस से सब कुछ उसी तरह से हो जाए। बस यही दुआ हम करेंगे। इंशाल्लाह रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है तो उसके अंदर हमारी सबके लिए मगफरत के साथ साथ सबकी निजात, अल्लाह पाक सबकी ऊपर अपनी रहमत करे और सारी इन परेशानियों से सबको निकाल ले और सबकी नेक ख्वाहिशात को पूरा करे। हम सब ये दुआओं में एक दूसरे को याद रखेंगे। मतलब जिस तरह के हालात हैं उसमें तो सिर्फ यही होता है कि अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे। और बस यहाँ पर भी इसी तरह चल रहा था, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इंशाल्लाह ताला यहाँ पर मैं बाकी की इफ्तारी भी तैयार कर रही हूँ, और इस टाइम पे यही होता है कि बस आप फुल टाइम पे जो है बिज़ी हो जाते हो किचन में जाके, और यही जो टाइम एंड का होता है ना तो उसमें काफ़ी मसरूफियत हो जाती है। तो कभी कभी तो पूरे ही होता है कि रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ, कभी होता है कि थोड़े बहुत शॉर्ट शेयर कर देती हूँ, क्योंकि साथ अनाया भी होती हैं और माशाल्लाह से इस घर के काम भी हैं, बीच में नमाज़ का सिलसिला ये सब। फाइनल हमारा टेबल इस तरह था, जब मैंने शॉर्मा बनाया तो साथ में मैंने ये सोचा कि सॉसेजेस वगैरह बना देती हूँ, अगर बच्चों को खाने हुए तो वो शौक़ से खा लेंगे। उस वक्त पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही होती है यार ये कुछ मतलब कम ना हो जाए, हो सकता है ये अच्छा ना लगे, कोई बच्चा खाए ना तो उसके लिए ये बना दो, ऐसी ही बिला वजह की एक वो टेंशन हो रही होती है, जबकि माशाल्लाह से सब कुछ अच्छा बन जाता है और खा भी लेते हैं। खैर ये सॉसेजेस वगैरह अगर एक्स्ट्रा बन भी जाते हैं तो आप इसे पैक करके रख सकते हैं, आप अगले दिन इसे जो है किसी स्पैगेटी में यूज़ कर सकते हैं। पिन व्हील बनाए थे मैंने चॉकलेट ओरियो के, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं और अक्सर मैं बना देती हूँ बच्चों को, कि बहुत सिंपल हैं, बहुत जल्दी से बन जाते हैं और एक मीठा भी हो जाता है। तो यहाँ माशाल्लाह आपके सामने है शॉर्मे की लुक जो आपको नज़र आ रही होगी, और साथ में फ्रूट चाट थी, और नॉर्मल सा हमारा जिस तरह का अफ्तार टेबल आपके सामने है। और इस तरह ये है कि एक फुल मेन्यू ज़रा डिफरेंट हो जाता है तो खाने में भी अच्छा लगता है, थोड़ा चेंज होता है तो आपको ये है कि आराम से खा लिया जाता है। तो आप इन मेल देख लें, यहाँ पर आपको मैं दिखा रही थी। बहरहाल आज का हमारा अफ्तार यही था, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे थोड़ी देर में। Okay, so guys, we just had iftar and today is Friday. You know what that means? A gift from me. Yeah, okay. So, we'll open the gifts. Where did she get that lantern from? I don't know. Okay, so Anaya has a little pouch and it has some goodies inside it. It looks super cute. Let's open it. Anaya? Look. He said, wow. Okay, she got lollipops. And what's the other thing? What's the main gift? It's a... That's a hair clip. Wow, mm-hmm. That's so cute. Let me show everyone. So she got a unicorn hair clip. Let me show you guys. Here it is. Oh, that's so cute. And she got a lollipop. Here you go. Mm-hmm. Nice. Yeah, okay, now, time for my gift. Are you excited? I'm very excited, actually. So, let's see. 3, 2, 1. Yes, it's a Rubik's Cube. Oh my god, I got a Rubik's Cube. And is, I think, some lollipops. I don't think you have that one. Yep, I don't. Okay, I got lollipops as well. But this is what I'm excited about. It's a 3-set Rubik's Cube. I play so this is called a pentacle cube and a 3x3, mini 3x3. And a... Here are Allah's Rubik's Cube. As you guys know, Allah has been obsessed with Rubik's Cube, so we got him one. This one he doesn't have, and then he got two minis as well. Here you go. Thanks. Okay, so ye the aaj ki gift, aur agar aapko ye video pasand aaya ho, give this video a like, comment, share and subscribe for more videos. Thanks for watching. Bye. Love you, YouTube. Love you, YouTube. Bye. Bye.
बाय। तो आज का ब्लॉग इतना ही था। अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय बाय।